हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलिंस किचन। तो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि ढोकले की रेसिपी बताएं, तो आज मैं खमन ढोकले की रेसिपी बता रहा हूं। अगर आपको दाल वाले ढोकलों की रेसिपी जाननी हो तो आप कमेंट करना, मैं वो भी बना के डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोल लेंगे और बोल में मैंने एक छन्नी ली है। बोल में हम आधा कप बेसन ऐड करेंगे, साथ में 2 चम्मच सूजी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में 1/2 चम्मच हरी मिर्च जो कि बारीक कटी होगी, नमक आपके स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। फर्मेंटेशन के लिए 2 चम्मच नींबू का रस, अगर आप चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच, और साथ में लास्ट में 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसका स्मूथ बैटर बना देंगे। इसे हमें अच्छे से विस्क करना है, यानी अच्छे से फेंटना है, और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट करने। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक टीन लेंगे, कोई भी केक टीन या आप थाली भी ले सकते हैं नॉर्मल, और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम ऑयल से। साथ ही में हम एक पैन लेंगे और पैन में 2 कप पानी डालूंगा मैं, और इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट बाद हम अपने बैटर को चेक करेंगे, अगर ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें 2 चम्मच पानी आप ऐड कर दें और इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर दें। अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम इसमें 1/2 पैकेट किनो ऐड करेंगे, आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद हमें ध्यान देना है कि हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे हिलाना है और इंस्टेंटली कुक करना है। अब हम बैटर को बर्तन में डाल देंगे, जिस भी बर्तन को हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रखा था। अब हमें अपने केक टिन को या जो भी बर्तन हम यूज़ करेंगे उसको हमें इस पैन पे रख देना है और इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। इसे स्टीम होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, आप भी इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि हमारा बैटर रेडी है कि नहीं है, कुछ इस तरीके से चाकू डाल के। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है बैटर। अब हम इसका तड़का बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे, साथ ही में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। दो मिनट सौते करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखना कि नमक हमने पहले भी बैटर में ऐड किया हुआ है। अब हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है बनके। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम ढोकले को निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसे पीस में काट देंगे। आप इसे अपने मनपसंद शेप और साइज में कट कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में जो हमने तड़का बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, अच्छे से हम इसे मॉइस्ट कर देंगे इससे, और हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।